बच्चे पे कुत्ते ने फौरन अटैक कर दिया और जो मालिक था उसने तो छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। कौन सा कुत्ता था जिसने अटैक किया? पिटबुल कुत्ता था। पिटबुल, जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश वाकिफ है। पिछले दिनों पिटबुल अटैक की कई घटनाएं सामने आई, जहां कुत्ते ने कई लोगों पर हमला कर दिया और कई लोगों की जान भी चली गई। अब एक बार फिर से पिटबुल का खौफ देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर में एक 12 साल के बच्चे को पिटबुल ने अपना निशाना बना लिया। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के लद्दा वाला मोहल्ले का है, जहां बच्चा घर के बाहर हर रोज की तरह खेल रहा था और अचानक पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे को कई चोटें आई। पिटबुल को हमला करता देख बाकी बच्चों ने आमिर को बमुश्किल बचा लिया, जिसके बाद घायल आमिर को उसके परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे के पिता का आरोप है कि इसी पिटबुल ने पिछले कई दिनों में कई लोगों पर हमला किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बच्चे के पिता ने पिटबुल के मालिक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हमारा बच्चे कल बाहर खेल रहे थे तो उधर से वो कुत्ता घुमाते हुए आए, जो कुत्ते का मालिक है, हमारे मोहल्ले की तरफ को, हमारी गली की तरफ को। तो वो बच्चे पे कुत्ते ने फौरन अटैक कर दिया और जो मालिक था उसने तो छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। वो तो मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे थे, लड़के थे, उन्होंने उन पे जो डंडे से वार करके कुत्ते से छुड़ाया बच्चे को। कौन सा कुत्ता था जिसने अटैक किया? पिटबुल कुत्ता था और क्या नाम, पहले भी उसके कई वाकई हो चुके इसी तरह मोहल्ले में, कई के काटा, शिकायत भी उसकी है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर अब तक नहीं हुई। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहां करी है? उसकी शिकायत हमने चौकी में भी की और कोतवाली में भी की। कितनी जगह आपके बच्चे को काटा है? कम से कम 10-12 जगह काट रखा। क्या कर रहे थे? मैं वहाँ खेल रहा था, एकदम कुत्ता छूट गया उसके हाथ से। उसे तुम्हारे पर अटैक कर दिया? जी। कितनी जगह काटा आपने आपके से? बस पैर पर। कौन सा कुत्ता था वो? पिटबुल। आपके पड़ोस में किसने पला हुआ है? जी। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ खेल रहा था। अच्छा। खेलते हुए आप पर अटैक किया? आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन पड़ोस का मामला होने के कारण बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में फैसला हो गया, जिसके चलते अब इस मामले में ना तो पुलिस कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही पिटबुल का मालिक। लेकिन पिटबुल का खौफ एक बार फिर से सुर्खियों में बन गया है।